हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। फ्रेंड, रेलवे वेटिंग वाले जो छात्र हैं उनके लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड, एक आरटीआई का रिप्लाई हमें प्राप्त हो चुका है जो कि एक कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया है। जिस कैंडिडेट ने हमें ये शेयर किया है उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वेटिंग वाले जो छात्र हैं वो तैयार रहे हैं, NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो अजमेर से बिलोंग करते हों या जयपुर से बिलोंग करते हों, कोई भी डिवीज़न आपने फ़िलअप किया है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट खाली हैं, कितनी वेटिंग क्लियर होगी, नेक्स्ट पैनल कब तक आने वाला है, ये सारी ऑफिशियल अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आरटीआई के ऑफिशियल रिप्लाई को ओपन कर रखा है जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रेलवे भर्ती कक्ष पावर हाउस रोड जयपुर की तरफ से ये रिप्लाई दिया गया है। 14/7/2021 की डेट का ये रिप्लाई है, लेटेस्ट में रिप्लाई दिया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो क्वेश्चन किए गए हैं वो ये हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि प्लीज़ टेल द नंबर ऑफ UR कैटेगरी कैंडिडेट कॉल्ड इन DV एंड मेडिकल, यानी UR कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनकी डिटेल बताइए जो UR कैटेगरी से बिलोंग करते थे DV और मेडिकल में। तो सामान्य श्रेणी में 2530 अभ्यर्थियों हेतु बुलाए गए थे, यानी 2530 अभ्यर्थी DV और मेडिकल में बुलाए गए थे। RRC विल कंडक्ट द रिक्वायरमेंट हाउ मैनी पोस्ट ऑफ UR कैटेगरी सामान्य श्रेणी के लिए। सेकंड क्वेश्चन ये किया था कि कितनी रिक्वायरमेंट बची हुई है UR कैटेगरी के लिए। तो सामान्य श्रेणी के लिए गैर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 2392 एवं दिव्यांग 101 कुल 2493 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया की गई थी, यानी UR कैटेगरी के लिए कितनी भर्ती प्रक्रिया की गई थी। तो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। थर्ड क्वेश्चन किया है, प्लीज़ टेल द नंबर ऑफ UR कैटेगरी कैंडिडेट हु पास आउट इन फर्स्ट डिवी एंड मेडिकल। तो इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट डिवी और मेडिकल में UR कैटेगरी से कितने कैंडिडेट जो हैं वो पास किए थे। दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रथम चरण में बुलाए गए गैर दिव्यांग अभ्यर्थियों में से सामान्य श्रेणी के 2392 अभ्यर्थियों को पैनल जारी किया गया एवं सामान्य श्रेणी में अतिरिक्त के तौर पर बुलाए गए अभ्यर्थी 20 अभ्यर्थी शेष हैं, यानी 5% जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वो अलग से कैंडिडेट हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से किया था, 118 कैंडिडेट ऑफ UR कैटेगरी इन फर्स्ट DV एंड मेडिकल वर कॉल्ड अंडर 5% एडिशनल कैंडिडेट टिल 20 कैंडिडेट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द पैनल गिव द रीज़न। यानी 100 जो कैटेगरी वाइज UR कैटेगरी में मेडिकल के लिए 118 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे जिसमें 5% कैंडिडेट यानी 20 कैंडिडेट जो अलग से थे उनके बारे में पूछा है कि वो लोग पैनल में इंक्लूड नहीं थे तो क्यों नहीं थे, तो उसका रीज़न पूछा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दिया है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रथम चरण में बुलाए गए गैर दिव्यांग अभ्यर्थियों में से सामान्य श्रेणी के सभी रिक्तियां भरे जाने के कारण अतिरिक्त अभ्यर्थियों का पैनल पर नहीं लिया गया, यानी ये जो 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे इनको नहीं लिया गया क्योंकि जो कैंडिडेट बुलाए गए थे 2392 कैंडिडेट जो बुलाए गए थे यही कैंडिडेट फुलफिल हो गए थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे 2392 कैंडिडेट जो हैं वो पूरे ओवरऑल थे, जितने UR कैटेगरी के लिए बुलाए गए थे वो पूरे कैंडिडेट थे, इसलिए 20% जो कैंडिडेट एक्स्ट्रा बचे हुए थे उनको अभी तक पैनल में नाम नहीं दिया गया और उनको यहाँ से नहीं बुलाया गया। फिफ्थ क्वेश्चन ये था, आफ्टर DV एंड मेडिकल हाउ द वैकेंट पोस्ट वर फिल्ड इन द प्लेस ऑफ रिजेक्ट UR कैटेगरी कैंडिडेट प्लीज़ गिव फुल डिटेल। तो पांचवा क्वेश्चन ये किया गया है कि जितने कैंडिडेट DV और मेडिकल में रिजेक्ट होने के बाद में UR कैटेगरी से बच गए थे तो उन पोस्टों को कैसे फिल किया जाएगा, डिटेल से बताइए। तो उन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दिया है कि फिफ्थ दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा जांच परीक्षण के उपरांत सामान्य श्रेणी के सभी पद भर गए हैं, यानी ये जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं उसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें UR कैटेगरी से सभी कैंडिडेट्स का जो डाटा है वो फुल कर लिया गया है, सभी सीट्स जो है यहाँ से फुल कर दी गई हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन था, टेल वेदर द वैकेंट पोस्ट रिजेक्ट UR कैटेगरी कैंडिडेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल द कैटेगरी, हाउ इट्स पॉसिबल टेल अस। तो इन्होंने पूछा है कि UR कैटेगरी जो रिजेक्टेड किए गए थे कैंडिडेट उन कैंडिडेट्स के स्थान पर आपने क्या किया, ऑल सभी कैटेगरीज के बारे में बताइए, इट इज़ पॉसिबल टेल अस, अगर ये पॉसिबल हो तो उक्त पद
पांच के अनुसार इन्होंने कुछ इस तरीके से आंसर दिया है, तो उसके बारे में क्या डिटेल्स दिया गया है ये डिटेल नहीं बताइए। सेवन क्वेश्चन ये था कि इफ़ देयर इज़ एनी गाइडलाइन देन शेयर द कॉपी, अगर कोई गाइडलाइन ऐसी जारी की गई है तो इसकी कॉपी जो है वो शेयर कीजिए, तो यहाँ पर कोई भी आंसर इन्होंने नहीं दिया है। एट क्वेश्चन था प्लीज़ टेल हाउ मेनी कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी वर टेकन इन द वैकेंट पोस्ट इंस्टीड ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट ऑफ यूर कैटेगरी, प्लीज़ टेल कैटेगरी वाइज। तो पांच के अनुसार ही इन्होंने बता दिया गया है। इन्होंने ये पूछा है एट क्वेश्चन में कि यूआर कैटेगरी से रिजेक्टेड कैंडिडेट के स्थान पर क्या किया गया है, उनके बारे में डिटेल से बताइए। तो इन्होंने उक्त पद पाँच के अनुसार दे रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि उक्त पद पाँच के अनुसार क्या है, या ये हो सकता है कि पैनल फाइव के अकॉर्डिंग, जो पैनल फाइव जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल है। इसके बाद में जो भी रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं या जो भी मेडिकल में रिजेक्टेड हुए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्टेड हुए हैं वहाँ से अभी कोई डाटा नहीं आया हो, सिर्फ पैनल फाइव जब जारी हुआ था उसी का डाटा, जो पैनल फाइव में जितनी यू आर की कैटेगरी की सीट्स खाली रह गई थी तो वहीं से उन्होंने डाटा लेके बता दिया हो। उसके बाद में कोई रिजेक्ट लिस्ट, जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं पैनल पार्ट फाइव के बाद में, उनका डाटा अभी आरआरबी के पास ना आया हो या जोनल डिवीज़न में ना आया हो, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के पास इसका डाटा हो सकता है डिवीज़न में ना भेजा हो, तो उत्पाद पाँच के अनुसार यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है पैनल पार्ट फाइव तक वही यहाँ पे दे रखी है। नाइन्थ क्वेश्चन ये था कि हाउ मैनी पोस्ट वर टेकन ईच कैटेगरी फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी हु मार्क लेस देन 76.4, प्लीज़ गिव द एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ इट्स पॉसिबल दैट यू कैन पुट लो मार्क कैंडिडेट इन यूआर कैटेगरी वाइल यूआर कैटेगरी विद मोर मार्क्स इन ऑलरेडी वेटिंग। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो लेस देन मार्क थे 76.4 से उन कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे आ गया है, और जबकि इनसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो अभी भी स्टिल वेटिंग में हैं। तो उन्होंने इसका आंसर दिया है कि उपपद पाँच के अनुसार पार्ट पैनल फाइव तक रखे गए सामान्य श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी की कट ऑफ का अंक 76.90 था, यानी इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि 76.4 तक के जो कैंडिडेट थे उनका उनसे कम जो मार्क्स है उनका पैनल में नाम आया। तो इन्होंने आंसर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, 76.90 जो यूआर की लास्ट कट ऑफ थी वहीं तक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जितने भी इससे ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं उनका किसी का सिलेक्शन नहीं किया गया है। टेंथ में इनका पर्सनल क्वेश्चन था जिसके बारे में हिडन डिटेल कर दी गई है, तो ये कुछ बताने वाला नहीं है। अभी फ़िलहाल इतना ही क्वेश्चन, इतने ही चीज़ें थी जो कि डिटेल में बताई जा सकती थी। तो फ्रेंड ये थी अब तक की अपडेट जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी NWR RRB अजमेर RRB जयपुर वाले जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे तो उनके लिए ये अपडेट जारी कर दी गई थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।